नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश और आज आपके सामने एक बार फिर से लेकर आ गया हूं एक नई डिटेक्टिव सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी। अगर आपको यह कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मैं आगे भी ऐसी स्टोरीज बनाता रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पहली बार कभी ना रुकने वाला कोरामी शहर धीमा हो चला था। वजह, शहर में हो रहे लगातार कत्ल। अब तक तकरीबन 12 कत्ल हो चुके थे और कातिल का कोई सुराग नहीं। सुरक्षा विभाग पर कई सवाल उठ रहे थे। छोटे से बड़े सारे पुलिस अफसर इस वारदात से परेशान थे। न्यूज़ चैनलों में भी 24 घंटे सिर्फ एक ही बुलेटिन फ्लैश होती। दोस्तों, कोरामी शहर में लगातार कत्ल हो रहे हैं। पुलिस अभी भी कटघरे में है और हमारे सवालों से बच रही है। ऐसे हालात में यह प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है कि आखिर कोरामी शहर में हम और आप कब तक सुरक्षित हैं? कौन है यह कातिल? आखिर क्या दुश्मनी है इसे हम लोगों से? क्या यह किसी संगठन का काम है या कोई आतंकी वारदात है? हमें नहीं पता। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, अभी अभी यह खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि जिस चीज का डर था बिल्कुल वही हुआ। सुकाई स्ट्रीट में एक और कत्ल की हमें हमारे सूत्रों से खबर मिल रही है। डॉक्टर अहूजा, जो कि सिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रूप में नियुक्त थे, उनका कत्ल हो चुका है। पुलिस इस बार भी वारदात की घटना पर देर से पहुंची और एक बार फिर यह कातिल हमारी पुलिस से भी तेज निकला। लगता है अब इस शहर में कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पूरा कोरामी शहर इस खबर को सुन खौफ में था। लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया। शहर की गति थम सी गई थी। डॉक्टर अहूजा के घर के बाहर मीडिया का हुजूम उमड़ा हुआ था। घर के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। अंदर पुलिस अपनी जांच पड़ताल का काम कर रही थी। इस केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर प्रभास पाटिल ने खास तौर पर अपने ऊपर ली। अभी उनकी इस शहर में नई नियुक्ति हुई थी। उनका करियर का अभी तक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कई बड़े केस अपने करियर में सॉल्व किए थे, पर यह केस मानो उनकी कड़ी परीक्षा ले रहा हो। वारदात की जगह पर मौजूद हवलदार महेश डॉक्टर अहूजा की लाश को तलाशी ले रहा था। तभी हवलदार कुंदन ने महेश की तरफ झुककर धीरे से कहा, क्यों रे महेश, कुछ मिला? अरे काहे को कुछ मिले, पता नहीं किस सिर फिरे पर कैसी सनक सवार है। 12 कत्ल हो चुके हैं और एक सबूत नहीं, और इसे मिलाकर 13 कत्ल हो गए। ना जाने अभी तक डिटेक्टिव डेन को यह केस क्यों नहीं सौंपा गया। वो होते तो अभी तक सब निपटा दिया होता, कुंदन ने कहा। वही तो, लेकिन यह अड़ियल इंस्पेक्टर अपनी जिद में अड़ा हुआ है। ऊपर के अफसरों ने तो बहुत कहा, मगर इसने यह केस अपने हाथ में लिए ना जाने और कितने खून करवाएगा। इंस्पेक्टर पाटिल का दोनों की वार्तालाप पे बराबर ध्यान था। वह तुरंत आधम के सुडौल शरीर, सुंदर चेहरा जिस पर दो दमकती आँखें काले चश्मे के भीतर से निहार रही थी। उनकी आँखों में जवानी का जोश फूट फूट कर भरा हुआ था। भौहें तनी हुई तेज आवाज में उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ, चुपचाप अपना काम करो, नहीं अभी सस्पेंड कर दिया जाओगे। और इंस्पेक्टर पाटिल बहुत ही खराब मूड से वहां से चले गए। महेश ने बुदबुदाया, सुन लिया क्या? क्या पता अपना घोंघा थोड़ा कम नहीं कर सकता, अभी नौकरी खतरे में आ जाती। उसी शाम दिन भर की टेंशन समेटे हुए इंस्पेक्टर पाटिल अपने कलीग के साथ एक टपरी में चाय की चुस्कियों से दिन भर की खीज उतार रहे थे। सब इंस्पेक्टर माधव ने उनसे कहा, अरे सर आप चिंता मत करिए, आपने पहले भी ऐसे कई केस सॉल्व किए हैं, यह भी कर लीजिएगा। अरे क्या कर लीजिएगा, यहाँ 13 कत्ल हो चुके हैं और एक ठोस लीड तक नहीं मिली। ना जाने यह कातिल आखिर करना क्या चाहता है, ना जाने कौन है, क्यों, क्या चाहता है ये। इंस्पेक्टर पाटिल अपना सिर पकड़कर बैठ गए। तभी उनका फोन बजा। यस सर, इंस्पेक्टर पाटिल ने अपनी आवाज दुरुस्त कर कहा। अरे क्या यस सर, एक महीना हो गया, नो लीड्स, नो प्रोग्रेस इन केस, व्हाट आर यू डूइंग पाटिल? अब ऊपर से दबाव बढ़ रहा है मेरे ऊपर, अब मैं यह केस डिटेक्टिव डेन को दे रहा हूँ। फोन की दूसरी ओर से डीसीपी की आवाज आई। इंस्पेक्टर पाटिल कुछ देर चुप रहे,
फिर बोले, जी 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 सर, जी सर, ओके ओके। और इंस्पेक्टर पाटिल कॉल डिस्कनेक्ट कर निराश होकर बैठ गए। क्या हुआ सर? सर ने कहा ये केस उन्होंने कोई डिटेक्टिव डेन को दे दिया है। पता नहीं कौन है ये डिटेक्टिव डेन, मीडिया अखबार हर जगह नाम सुन सुनकर एकदम पक चुका हूं मैं। अरे सर आप डिटेक्टिव डेन को नहीं जानते यार, तुम शुरू मत कर देना, क्या कोई डिटेक्टिव कंपनी खोल रखी क्या इसने? अरे नहीं सर, वो तो खुद में ही एक कंपनी है। अगले दिन वारदात की जगह अन्य कार्यवाही हो रही थी, तभी एक काली स्पोर्ट्स कार वारदात की जगह पर आ खड़ी हुई, जिसमें सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। इंस्पेक्टर पाटिल का ध्यान भी उस कार ने खींच लिया, जिसे मीडिया वालों ने घेर कर रखा था। कुछ देर बाद उस कार से एक आदमी निकला। इंस्पेक्टर पाटिल ने सब इंस्पेक्टर से कहा, क्या यही है तुम्हारा डिटेक्टिव डेन? अरे नहीं सर, ये तो असिस्टेंट है। तभी दूसरी ओर से दरवाज़ा खुला और एक लंबा आदमी काली हैट पहने, जो आधी आंखों को ढके हुए थी, काला कोट जमीन छूता, काला ग्लव्स पहने, वह इंस्पेक्टर पाटिल के करीब आया और अपना हाथ बढ़ाकर अपनी पहचान बताई। डिटेक्टिव डेन, यू मस्ट बी इंस्पेक्टर पाटिल। जी 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 जी, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर पाटिल, इंस्पेक्टर पाटिल ने अस्फुट स्वर में कहा। नाइस टू मीट यू मिस्टर पाटिल, चलिए चलते हैं, देखते हैं आपको अभी तक किस केस में क्या हाथ लगा। इंस्पेक्टर पाटिल और डिटेक्टिव डेन चलते हुए वार्तालाप करते हैं। कोई अपडेट मिस्टर पाटिल? जी सर, पिछले एक महीने से जो भी कत्ल किए गए हैं, सभी का कत्ल दूसरे से जुदा है, मतलब उन्हें अलग अलग तरीके से मारा गया है। एक और बात डिटेक्टिव, जिनका भी कत्ल हुआ है उन सभी के कपड़े एक ही कंपनी के थे, ओसवाल क्लोथिंग वियर्स, ओसवाल क्लोथिंग एंड वियर्स। इस इन्फॉर्मेशन को अभी तक हमने गुप्त ही रखा है, क्योंकि इससे कंपनी वालों का काफ़ी नुकसान हो जाता, हालांकि वह हमारे संपर्क में लगातार है। डेन ने वारदात की जगह को अच्छे से जांचा और परखा। कुछ देर बाद उन्होंने इंस्पेक्टर पाटिल से कहा, अभी तक जितने भी मर्डर हुए मुझे उन सब की बॉडी देखनी है, पर वह तो उनके परिजनों को सौंप दिया गया। और डॉक्टर आहूजा की बॉडी? जी वह पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दी गई। कोई बात नहीं, मुझे उन सब की रिपोर्ट ला कर दो। अगले दिन डिटेक्टिव डेन उन सभी मर्डर्स की रिपोर्ट चेक करते हैं। सबसे पहले विक्टिम का गला घोंटा गया, उसके बाद डुबा कर मारा गया, कलाई काटी गई, चाकू, हार्ट अटैक, बिल्डिंग से धक्का देना, गला काटा गया, और डॉक्टर आहूजा को फांसी से मारा गया है। किलर तो काफ़ी क्रिएटिव मालूम होता है, पुरुष और महिलाएं दोनों में कोई भेद नहीं किया इसने। डिटेक्टिव डेन गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, असिस्टेंट अभिनव और इंस्पेक्टर पाटिल, मुझे सभी विक्टिम्स के कपड़े और वह सारी चीज़ें लाकर दो जो कत्ल के वक्त उन्होंने पहन रखी थी। इंस्पेक्टर पाटिल को यह अच्छा नहीं लगा कि कोई उन्हें ऑर्डर दे, आखिर वह भी ऐसे कई केस सॉल्व कर चुके हैं, भले ही दुर्भाग्य से यह केस उनके हाथ से चला गया हो। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर पाटिल? डेन ने पूछा। जी 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 जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। इंस्पेक्टर पाटिल ने महेश और कुंदन को डिटेक्टिव अभिनव के साथ भेज दिया। डिटेक्टिव डेन ने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब आखिर कितने तरीकों से आदमी की मौत हो सकती है? पाटिल ने जवाब दिया, ऐसे तो कई तरीके हैं किसी की मौत के। अरे नहीं, मेरा मतलब और कौन कौन से तरीके ऐसे बचे हुए हैं जिसका इस्तेमाल वह किलर आगे भी कर सकता है। इंस्पेक्टर ने कहा, जी पॉइजनिंग और गोली मारना भी दो ही तरीके मेरे ख्याल से बचे हुए हैं, बाकी किलर की क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। तभी डिटेक्टिव अभिनव, महेश और कुंदन वहाँ पहुँच जाते हैं। डिटेक्टिव डेन एक एक कपड़े का ध्यान से गुमान करते हैं और कुछ देर जांच पड़ताल के बाद वह इस अंजाम तक पहुँचते हैं, पाटिल साहब आपने अपने इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी चीज़ नज़रअंदाज कर दी, अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी कपड़ों की कंपनी ओसवाल वियर्स के साथ उन कपड़ों के रंग भी एक ही जैसे हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं,
नीला जीन्स, नीला सलवार, नीला वेस्ट, टाई और नीला नीला। इंस्पेक्टर पाटिल की नज़रें चुक जाती हैं। उस वालवियर्स के साथ नीला कलर भी कॉमन है और सभी के मारने के तरीके अलग। डिटेक्टिव डेन ने पाटिल से पूछा, अच्छा एक बात बताइए इंस्पेक्टर पाटिल, इन सभी की मौत में कितने समय का अंतर था? इंस्पेक्टर पाटिल ने फाइल जांच कर कहा, जी एक हफ्ता। और मौत का समय? इंस्पेक्टर पाटिल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेक कर कहते हैं, जी शाम 6 बजे। समझ नहीं आ रहा यह किलर चाहता क्या है।